विविध प्रश्नमाला चार का अभी क्वेश्चन नंबर पहला हल करेंगे, जो कि है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला का ए है 49 का घात 3 है भागा 7 का घात 2 है, और पूरा पे घात है -4 गुने 49 का घात है 2। तो देखिए, पहले 49 को हम कैसे लिख लेंगे। हम जानते हैं कि 49 जो है 7 का वर्ग है, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, 49 को हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर। फिर ऊपर घात 3 है, तो हम ऊपर घात 3 दे देंगे भागा 7 का स्क्वायर, और पूरा पे घात है -4 गुना, और देखिए 49 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और फिर 49 का स्क्वायर है, तो इस तरह से हम इसको पहले हम लिख लेंगे। देखिए, 7 सब 7 के घात पे हम इसको हम बदलेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 7 का घात। देखिए, जब घात पे घात रहता है तो गुना होता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 7 पे घात 6 भागा 7 पे घात 2 पहले से था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और पूरा पे घात है -4, तो ये भी हम लिखेंगे गुना। यहाँ पे देखिए 7 का घात है 2, उस पर भी घात है 2, तो यानी 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, 7 पे घात 4। अब देखिए, 7 का घात 6 -2 हो जाएगा, क्योंकि भागा में घात जो है घटता है, तो 6 -2 हो जाएगा। देखिए, 7/7 का घात 6 को भागा कर रहा है 7 का घात 2, तो 6 -2 लिखेंगे इसका घात, और पूरा पे घात है -4, तो इसको हम लिखते जाएंगे गुना 7 का घात 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखेंगे 7 का घात 6 -2 4, और पूरा पे घात है -4, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे गुना 7 का घात 4 को हम इसी तरह लिखते जाएंगे। अब देखिए, 4 गुने -4, देखिए घात पे घात है, तो घात घात गुना हो जाता है, तो 7 का घात कितना हो गया 4 गुने 4 16, और माइनस है, तो -16 हो गया 7 का घात गुना 7 का घात 4, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 7 का, देखिए गुना में घात क्या होता है, जुट जाता है, तो लिखेंगे -16 + 4। देखिए 7 का घात -16 + ये 4 जो घात है वो जुट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 में से 4 गया तो 12, और देखिए माइनस लगा हुआ है बड़ा वाले संख्या के साथ, माइनस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का घात -12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 का घात -12 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम इसको एक एक स्टेप करके आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए बी में -2 पे घात है 8 गुने 1/4 पे घात है -3, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम। इसको लिखेंगे -2 पे घात 8, इसको ऐसे ही लिखेंगे, और गुना इसको हम लिखेंगे 4 पे घात 3। देखिए, जब भी माइनस घात होता है तो उसको हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 से 4 हो जाएगा, यानी 4 इसका अंश बन जाएगा, जो यहाँ पे हर है वो अंश बन जाएगा, और 1 हो जाएगा जो हर बन जाएगा, तो 1 को लिखें या ना लिखें बात बराबर है, और यहाँ पे माइनस को हटा देंगे। ठीक है, यानी जब भी घात माइनस में हो तो हम इसको उलट लेते हैं संख्या को। तो देखिए यहाँ पे हो गया 4 का घात 3। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1 गुने 2 पे घात 8। ठीक है, ये जो माइनस है, देखिए -1 पे घात 8 गुने 2 पे घात 8, इसको हम लिख सकते हैं गुने 2 पे घात 2 पे पूरा पे घात 3। देखिए यहाँ पे 4 है, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर पे घात 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए -2 को हम -1 पे घात 8 गुने 2 पे घात -2 पे घात 8 है, तो इसको हम लिख लेंगे -1 पे घात 8 गुने 2 पे घात 8। ठीक है, -1 को हम अलग कर देंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए एक -1 पे 8 है, यानी -1 गुने -1 गुने 8 बार हो रहा है गुना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि देखिए 8 बार माइनस माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं, -1 गुने -1, देखिए 2
माइनस एक गुने माइनस एक क्या होगा, प्लस एक। उसी तरह माइनस एक को हम 8 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस एक पे अगर सम संख्या रहे घात में तो हम प्लस एक लिखते हैं, अगर यहाँ पे विषम संख्या रहता, मान लीजिए 2 से जो नहीं कटता है, जैसे 7 रहता, 5 रहता जो 2 से नहीं कटता है वो रहता, तो हम यहाँ पे माइनस एक लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 गुने 2 पे घात 8 गुने 2 पे घात, देखिए घात पे घात है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, ये सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे थे। अब देखिए ये हो जाएगा 2 पे घात 8 गुने 2 पे घात 6। देखिए 1 गुने 2, किसी से भी 1 गुना होगा तो उतना ही हो जाता है, तो 1 को हम हटा देंगे यहाँ पे से। अब देखिए घात जब गुना में हो और इसका आधार जब बराबर हो तो क्या होता है, घात जुट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 6, यानी इसका आंसर आ गया 2 पे घात 8 6 14, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस एक को बस समझने के लिए अलग किए थे, ठीक है। ऐसे भी घात अगर सम संख्या हो तो हम हटा देते हैं माइनस को, ठीक है। अब देखिए सी में है, -3 पे घात है 16 गुने 27 पे घात है -13 गुना 9 पे घात है 12 गुना 1/3 पे घात है 15। तो देखिए हम सबको 3 के घात पे बदलेंगे, क्योंकि देखिए सब 3 का घात पे आ रहा है। देखिए 3 से 3 तिया 9 3 तिया 27, ये भी होता है 3 3 तिया 9, और यहाँ पे भी 3 है, तो सबको हम 3 पे घात पे लेके आ जाएंगे। तो देखिए कैसे लाएंगे, तो जो 3 पे है उसको बस उसी तरह हम लिख देंगे, ठीक है, कोई बदलेंगे नहीं। गुना देखिए 3 3 का घन होता है 27, तो हम 3 का घात 3 देंगे, और उस पे भी घात कितना है, -13, ठीक है। देखिए यहाँ पे -13 है, 3 का घात 3 हो गया 27 गुने 3 का घात 2 होता है 9, और उस पे भी घात कितना है 12, तो हम इस तरह इसको लिख लेंगे, ठीक है। गुना में 3 पे घात हम -15 लिख लेंगे। अब देखिए जब भी बटा में हो तो हम इसको, जो हर है देखिए यहाँ पे हर है 3, तो अंश बना लेंगे। अंश जब हम बनाएंगे 3 को तो 1 हर बन जाएगा, तो हर नीचे लिखें या ना लिखें बात बराबर है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो माइनस लगा देंगे घात पे, ठीक है। ये इसका नियम है घातांक का, घात और घातांक का, ये शुरू में दिया हुआ है सब फॉर्मूला में। देखिए यहाँ पे सब फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए अभी हम लिखे थे -1 पे सम संख्या इसके पहले वाला हिसाब में, तो देखिए 1 आया, माइनस हट गया है, उसी तरह -1 पे विषम संख्या -1 होगा। और देखिए यहाँ पे 1 का घात n है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/1 का घात -n, यानी उल्टा करके अगर 1 का घात यहाँ पे -n रहेगा तो इसको उल्टा में 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम सबको 3 पे 3 के घात में ला दिए हैं, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे -3 पे घात कितना है, 16 गुना 3 पे घात है। देखिए घात घात गुना हो जाएगा तो 13 तिया 39, यानी -39 गुना 3 पे घात 12 दूनी 24, ठीक है, गुना 3 पे घात -15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -15। अब देखिए इस -3 है और घात में है सम संख्या, देखिए 16 2 से कटता है, तो यहां पे हम माइनस हटा लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम यहां पे -1 को हम अलग कर देते हैं, तो -1 का घात हो जाएगा 16 गुने 3 का घात हो गया 16। देखिए -1 पे घात 16 को हम अलग कर दिए, ठीक है, -3 से, ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। गुना अब ये सबको लिख देते हैं, 3 का घात -39 गुना 3 का घात 24 गुना 3 का घात -15। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए ये हो गया -1 का घात है 16, तो यहाँ पे सम संख्या है घात में, तो सिर्फ हम 1 लिख देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 16 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस होता है, इसी तरह 16 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे, गुना
अब देखिए तीन का घात सब देखिए गुना में है, तीन देखिए सबका आधार सेम है, तीन है सबका आधार बराबर है, तो बस क्या करेंगे सब घातों घात जितना है सबको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस माइनस 39 प्लस 24 प्लस माइनस 15। तो देखिए सब घात को हम जोड़े हैं यहाँ पे, तो ये हो गया तीन का घात। देखिए एक गुने कितना भी एक हट जाएगा, जो एक से अगर कोई भी अंक गुना होता है तो उतना ही अंक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीन का घात 16 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस 39 प्लस 24 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 15। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया तीन का घात। देखिए 16 प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे, 16 24 कितना हुआ 24, 6 30, 30 10 40। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तीन का घात 40। देखिए 16 24 यानी प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ेंगे, अब माइनस माइनस वाले को तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि माइनस 39 और माइनस 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 5 14, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे 54 हो गया माइनस 54। तो अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 पे घात 54 में से 40 गया तो 14, तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बड़ा वाला माइनस है, देखिए माइनस 54 है यानी बड़ा जो अंक है 54 उसके साथ चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पे घात -14। तो इस तरह से देखिए एक एक स्टेप करके हम इसको हल करेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए डी में है 1/625 गुने -5/12। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए 1/625 को हम लिख सकते हैं 1/25 का स्क्वायर। ठीक है, 1/625 को हम लिख सकते हैं 1/25 का स्क्वायर, सिर्फ 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625 यानी 625 का वर्गमूल हुआ 25। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं गुना, इसको हम लिख सकते हैं -1/12 गुना 5/12। देखिए माइनस को हम अलग कर लेंगे यानी -1 के रूप में, तो अलग करेंगे तो 12 इसके साथ घात आएगा और 5 के साथ भी 12 घात आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 25 का घात -2, हम 25 को जो है हर बना हर है यहाँ पे तो अंश बना लेंगे। ठीक है, तो अंश बनाएंगे तो माइनस में हो जाएगा पावर, तो 25 का घात कितना हो गया -2 गुना, अब देखिए -1 का घात 12, 12 क्या है सम संख्या है, 2 से कटता है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगा, क्योंकि 12 माइनस को हम गुना करेंगे। देखिए माइनस गुने माइनस कितना होता है प्लस, माइनस गुना अगर माइनस माइनस गुना में हो तो प्लस हो जाता है, उसी तरह 12 माइनस गुना में होगा, देखिए -1 गुने -1 गुने 12 बार तो प्लस होगा, तो यानी सिर्फ एक आंसर आ जाएगा गुना, यहाँ पे लिखेंगे 5/12। ठीक है, अब देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उस पर भी कितना घात है -2 गुना 1 गुने 1 को हम किसी से भी गुना करेंगे तो उतना ही संख्या होगा, यानी 1 को हम हटा दे रहे हैं, 5 का घात हो जाएगा 12। ठीक है, इसको हम लिखेंगे अब देखिए 5 का घात हो गया, घात घात गुना हो जाता है, तो हो गया -4 गुना 5 का घात 12। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा 5 का घात, जब देखिए आधार बराबर यानी आधार सेम हो एक जैसा हो, देखिए दोनों का आधार 5 5 है तो क्या हो जाएगा गुना में है, तो इसका घात जो है जुट जाएगा यानी -4 + 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का घात 12 में से 4 गया तो 8, यानी इसका आंसर हो गया 5 का घात 8। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसको हल कर लेंगे एकदम बढ़िया से एक एक स्टेप लेकर के। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले, क्योंकि हम हर दिन इस तरह का मैथ अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।
और शुरू से भारती भवन का क्लास 8 का मैथ शुरू से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में वहां पे शुरू से सजाया हुआ है प्रश्नमाला 1 से, तो वहां पे आप देख सकते हैं। प्रश्नमाला सब खत्म हो चुका है, अभी विविध प्रश्नमाला 3 तक खत्म कर दिए हैं, ये 4 देखिए अभी शुरू किए थे, तो इस तरह विविध प्रश्नमाला भी खत्म हो जाएगा एक एक करके, तो पूरा बुक जल्दी ही खत्म कर देंगे। धन्यवाद।